you're watching Exposed India. मोहित पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में 5 दिन पहले धमाका हुआ था। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे की खबर मिलते ही जिले के बड़े अफसर घटनास्थल पर पहुंच गए। तभी मृतक के परिजनों ने 25-25 लाख के मुआवजे की मांग की और मृतक बाल गोविंद की पत्नी बाला देवी ने फैक्ट्री के मालिक कुलदीप जैन और डीएम सुरेश पनवार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने फैक्ट्री के डीजीएम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया। जिले के अफसरों ने फैक्ट्री मालिक को सभी मरने वालों को 12-12 लाख की सहायता राशि देने का निर्देश दिया। सभी मृतकों के परिजनों को बिजनौर एसडीएम के कार्यालय में 12-12 लाख के चेक वितरित किए गए, लेकिन सहायता राशि के चेक देते समय पीड़ितों से शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। इसके बावजूद एक पीड़ित महिला ने अपने पति के कातिलों को सजा दिलाने की मांग की है। मेरे पास फोन नहीं आया, आज जाने कैसे कैसे मुझे पता चला ऐसे ऐसे हो गया। मैंने फिर भी गेट पे फोन किया, गेट पे फोन से उन्होंने कहा बाल गोविंद के कोई चोट नहीं है, बाल गोविंद अंदर काम कर रहे हैं। मैंने फिर भी मैंने कहा देखो तो सही, फिर उन्होंने मैंने दोबारा फोन किया तो उन्होंने किया कि भील भर के यहाँ चले जाओ। वे भील भर के यहाँ गए हैं, मैं वहाँ चली गई। फिर मुझे उसके बाद वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में उनकी लाश मिली और कुछ नहीं मिला। मेरे पापा की डेथ उनके कारण हुई। जब उन्हें पता था कि टैंक खराब है तो उन्होंने मेरे पापा को क्यों जबरदस्ती बुलाया वहाँ पे। मेरे पापा उनके कारण गए हैं। मैं आपसे विनती है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।